गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ उमेश दत्त इन BSc पार्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स में आज हम नर्वस सिस्टम जो इन्वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट फाइलम्स में नर्वस सिस्टम है उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उन एनिमल्स की जब हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो वो हमें सिंपल टाइप का और लोअर टाइप का प्राप्त होता है। नर्वस सिस्टम जो एनिमल के सेल्स ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से परफॉर्म होने वाली सभी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन या समन्वयक बनाता है। इस प्रकार से जो जीवन की इकाई है यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो प्रोटोप्लाज्म में उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी जो है उसका आधारभूत जो गुण है उसके अंदर अंतर्निहित रहता है, जिसमें स्टिमुलेशन या उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्स पाया जाता है और जो कि थर्मो फोटो कीमो और एनवायरमेंटल टाइप्स के जो रेस्पॉन्सेज हैं उनके प्रति अपना एक उद्दीपन के प्रति अपना एक रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर अगर हम स्टडी करेंगे तो इवोल्यूशन में जो सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें हम सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स को देखते हैं जिसका बेस्ट एग्जांपल अमीबा है। अमीबा के अंतर्गत प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, उससे थोड़ा सा डेवलप्ड टाइप का जो नर्वस सिस्टम है वो पैरामीशियम में प्रोटोजोन्स के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि पैरामीशियम में जो है वो अवपक्ष्मा अभिविन्यास जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है और सीलिया की बेसल ग्रैन्यूल्स जिसे हम काइनेटोसोम कहते हैं एवं काइनेटो डेसिमल फाइबर से फॉर्म काइनेटिक यूनिट एनिमल में लोकोमोशन ग्रोथ फीडिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ का कंट्रोल और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। जब हम पूरे एनिमल किंगडम में इस जो है नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की जो है एक पिक्चर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो इवोल्यूशन जो है उसके रिजल्ट के फलस्वरूप आई है, जो कि समय के सापेक्ष होने वाला सरल से जटिल एक क्रमिक परिवर्तन है। और इसके अंदर जो सबसे लोअर एनिमल्स हैं उसमें हमें टाइप स्टडी मेंबर में हम लोअर इन्वर्टिब्रेट से हायर इन्वर्टिब्रेट के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप का जो नर्वस सिस्टम्स के अंदर जो सेल्स हैं वो हैं सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स जिन्हें संवेदी एवं तंत्रिका कोशिकाएँ कहते हैं। टाइप स्टडी मेंबर के लिए हम इसमें ओबिलिया को एज अ मेंबर कंसिडर करते हैं। बेसिकली ओबिलिया और हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो एक ही समान होता है, यानी कि इसमें जो नर्व सेल्स हैं और सेंसरी सेल्स हैं वो दोनों पाई जाती हैं। और जो पॉलीमॉर्फिक एनिमल्स हैं, पॉलीमॉर्फिक यानी जो बहुरूपी हैं, पॉली यानी बहु, मॉर्फिक यानी मॉर्फ जिनमें शारीरिकी पाई जाती है, वो एनिमल्स उसमें जिसमें पॉलिप मेड्यूसा पाई जाती है उसके अंतर्गत ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसी जॉइंट्स प्रेजेंट्स होते हैं और इन एनिमल की बॉडी फॉर्मेशन में एनिमल में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जिसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म और बीच के अंदर जो मेसोकेलियल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं और इन लेयर्स के बीच ही ये जो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम को परफॉर्म करती हैं वो सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज सेंसरी सेल्स।
आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो सेंसरी सेल्स हैं, जिसे मैंने ए डायग्राम से इंडिकेट किया है, वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं, जिनके जो कि एपिडर्मिस में गहराई तक धंसी रहती हैं। आकार में ये लंबी पतली होती हैं और इनके अग्र सिरे पर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इसके पोस्टीरियर पार्ट से नोड्यूलेटेड फाइबर्स निकले रहते हैं और ये फाइबर्स नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। जब हम इन सेल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है। अग्रभाग में इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया वेसिकल्स अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, साथ ही माइक्रोट्यूब्यूल्स अक्षीय सिरे की ओर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के पास गॉल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, साथ ही सेंसरी सेल्स जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें सीलियम प्रेजेंट होता है, जिसके अंतर्गत 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। सेंसरी सेल्स का जो नंबर है वो एक्टोडर्म में कम जबकि एंडोडर्म में कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है, जो कि टच, टेम्परेचर, फोटो इंटेंसिटी और केमिकल के प्रति अपने रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सेंसरी सेल्स फंक्शंस सेंसरी नर्वस सिस्टम को ओरिजिनेट करती हैं। सेंसरी सेल्स जो है मैक्सिमम बाह्य स्तर में, जिसे हाइपोस्टोम तथा जो इसके टेंटिकल्स हैं उसमें प्रेजेंट होती है, और एनिमल की जो मोस्ट सेंसरी साइट्स हैं उसी के अंदर ये पार्टिसिपेशन करती हैं। देखिए, इस डायग्राम में आपको जो इसकी बॉडी है उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म दोनों डर्म्स मिल रही हैं, साथ ही बीच के अंदर मेसोग्लियल एपिथेलियल सेल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, जिनके बीच बीच में सेंसरी सेल्स रिप्रेजेंट होती हैं जो कि फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर हैं, और बीच की जो मेसोग्लियल लेयर है वहाँ पर ये अपने नर्व नेट को रिप्रेजेंट करती हैं और जो कि एनवायरमेंट से होने वाले चेंजेस के अंतर्गत इसमें रेस्पॉन्स को बताने के लिए या उसके प्रति रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इस डायग्राम में भी आप डाइवर्सिटी ऑफ नर्व सेल्स जो हैं उसे देख सकते हैं, जिसके अंदर वो बॉडी के जो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लियल सेल है वहाँ पर ये अरेंज्ड होती हैं। नाउ नर्व सेल्स स्मॉल सेल बॉडी और साइटोन होता है, इसके अंदर जो है सेलुलर ऑर्गेनेलीज प्लस न्यूक्लियस उपस्थित होता है। न्यूक्लियस छोटे आकार का होता है, साथ ही इसमें फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों टाइप की रेटिकुलम के साथ रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें उपस्थित होता है, साथ ही साथ गॉल्जी बॉडीज़ भी उपस्थित होती हैं जिनका नंबर 2 और 3 होता है, और ये ऑर्गेनेलीज साइट स्पेसिफिक होती हैं। साइटोप्लाज्म में स्मॉल और लार्ज वेसिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं और बॉडी में न्यूराइट्स जो कि सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उस उनके साथ दर्शित होती हैं। सेल्स पर जो उपस्थित जो उसकी ब्रांच्ड हैं उनके बेसल पार्ट पर यूनिपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक पोल पर जो हैं अधिक नंबर में जो हैं स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। नर्व सेल्स उपकला पेशी कोशिकाओं के जो बेसल पार्ट हैं उसमें प्रेजेंट पेशी प्रवर्धों के जस्ट ऊपर की सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। नर्व सेल्स के जो फाइबर्स हैं वो आपस में एसोसिएट होकर नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन करते हैं।
जो कि मेसोगिलियल जो लेयर है उसके इंटीरियर और उसके बाहर की तरफ इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। इस नेटवर्क में जो नर्व सेल्स के तंतु होते हैं वो संवेदी कोशिकाओं और जो डिफरेंट टाइप्स की नर्व सेल्स हैं उनके साथ मिलकर साइनेप्सिस की रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी प्रकार एक्टोडर्म और एंडोडर्म का जो है वो नर्व नेट के मध्य में एक बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन या संपर्क स्थापित रहता है। न्यूरॉन्स का फंक्शन बेसिकली जो स्टिमुलेशन है सब उद्दीपन है उसके प्रति रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करना और आवेगों का या प्रेरणाओं के संचरण के अंदर हेल्प करता है। जो सीलेंट्रेट हैं उनके अंतर्गत जो पॉलीमॉर्फिक जो फॉर्म पाई जाती है उसके अंतर्गत पॉलीप की अपेक्षा मेड्यूसा में जो है वो नर्वस सिस्टम अधिक डेवलप टाइप का होता है, जिसमें मेड्यूसा जो बेल लाइक स्ट्रक्चर है उसकी पेरिफेरल एरिया पर दो नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें से एक विलम के जो एडजॉइनिंग एरिया है उस स्थान पर और दूसरी उसके ठीक नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। और ये जो नर्व रिंग है उसमें सेंसरी सेल्स, मस्कुलर सेल्स और जो टेंटिकल्स हैं और नर्व सेल्स हैं उनसे मिलकर जो एनिमल है वो बीच में कोऑर्डिनेशन करते हुए अपनी बॉडी को सर्वाइव करता है। इसकी जो लोअर रिंग है उसमें उसका जो फंक्शन है वो वर्टिब्रेट्स के जो हर्ट में पेसमेकर का फंक्शन है उसी के समान कार्य करता है। पॉलिप में जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे रिड्यूस और सिंपल टाइप का पाया जाता है क्योंकि ये नेचर के अंदर सेसाइल होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉरीफेरा जो फाइलम है उसके एनिमल्स में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है और जो ट्रू नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहले सीलेंट्रेट फाइलम के एनिमल्स में इन सेल्स का जो है डेवलपमेंट हुआ है, नर्व सेल्स का। जो नर्व सेल्स में जो उनके जो फाइबर्स हैं उसमें जो पॉलरिटी है वो नहीं पाई जाती है और इस कारण से जो उसमें आवेग है उनका जो मूवमेंट होता है वो वाइस वर्सा या दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है। इस प्रकार से ये प्रिमिटिव टाइप का या प्रोटो न्यूरॉन्स और इस प्रकार का जो आवेग है वो नॉन पोलर टाइप का या अध्रुवीय प्रकार का होता है। यह जो सिस्टम है वो पेशी कोशिकाओं से एसोसिएटेड है, इसी कारण इसे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अब हम इसी में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका टाइप स्टडी मेंबर दूसरा प्लेटिहेल्मिन्थीज में नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो टाइप स्टडी मेंबर है वो टेपवर्म है, जिसके अंतर्गत जो नर्वस सिस्टम है उसमें सेरिब्रल गैंग्लियॉन तथा एक से जो तीन अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं रज्जू निकलती हैं जिसे लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक इंटरवेल पर ट्रांसवर्स कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं वो प्लेटिहेल्मिन्थीज फाइलम में ट्रिमेटोड का एनिमल है। ये जो है शीप के लीवर में पित्त नलिका के अंदर पाया जाने वाला एंडोपैरासाइट एनिमल है। यह अपने कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल के कारण जो है अपनी लाइफ को शिप में और साथ ही साथ स्नेल के अंदर रिप्रेजेंट करता है। इवोल्यूशन की जो जो प्रोसेस है उसमें सीलेंट्रेट्स के जो मेंबर्स हैं उसमें एज कंपेयर प्लेटिहेल्मिन्थीज जो फाइलम के मेंबर्स हैं उसके अंतर्गत नर्वस सिस्टम उनसे थोड़ा डेवलप टाइप का प्रेजेंट होता है। फिर भी यह नर्वस सिस्टम एक प्रिमेटिव टाइप का ही नर्वस सिस्टम है। फेसियोला में एंडोपैरासाइट होने के कारण नर्व नेट जो है वो रिड्यूस टाइप का होता है।
अब हम इस डायग्राम को देखते हुए इसकी स्टडी करते हैं, तो इसकी जो नर्व सेल्स हैं अर्थात जो न्यूरॉन्स हैं वो यूनिपोलर होते हैं या बाइपोलर होते हैं या मल्टीपोलर प्रकार के, तीनों टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें एक या अधिक जो है वो न्यूरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। सभी न्यूरॉइड्स एक समान होते हैं अर्थात इनमें एक्सॉन एवं डेंड्रॉन का कोई भी बीच के अंदर कोई चेंजेस या भेद उसके अंदर नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन्स बेसिकली साइनेप्सिस बनाते हुए प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के एंटीरियर या सिफेलिक रीजन में जो नर्व सेल्स हैं वो एग्रीगेट होकर गैंग्लिया और ईसोफेगस के चारों ओर एक रिंग लाइक का, जिसे हम सेरिब्रल रिंग कहते हैं, कि फॉर्म को फॉर्म करती हैं, और इन गैंग्लियॉन्स को हम सेरिब्रल गैंग्लियॉन कहते हैं। इसमें से जो दो लेटरल गैंग्लियॉन और एक जो वेंट्रल गैंग्लियॉन है वो अपनी स्पेसिफिक साइट पर स्थित होते हैं। जो इसका प्रमस्तिष्क वलय है उससे कई जो हैं पतली तंत्रिकाएं निकलकर बॉडी के अगले एवं पिछले भाग में एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन के अंदर वो फैल जाती हैं। इसमें से अनुदैर्य तंत्रिकाएं जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये तीन जोड़ी अनुदैर्य तंत्रिका तंतु लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड बॉडी के पीछे की ओर फैली हुई होती हैं। इसमें जो इसके पेरिफेरल ब्रांचेस हैं उससे भी ये बॉडी के अलग अलग डिफरेंट रीजन के अंदर फैल जाती हैं। इन तीनों जो नर्व जो इनकी जो कॉर्ड्स हैं उसमें से एक जोड़ी जो है वो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, एक जोड़ी वेंट्रल नर्व कॉर्ड और एक जोड़ी पार्श्वीय या डॉर्सल नर्व कॉर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इन डॉर्सल वेंट्रल एंड लेटरल इन तीनों जोड़ी तंत्रिका तंतुओं में से जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है वो अपर रीजन तक ही जो है वो अपनी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो लेटरल नर्व कॉर्ड है वो बॉडी की नीचे तक अधिक विकसित या डेवलप्ड होती है और पूरी बॉडी में फैली होती है। ये ट्रांसफ़र कनेक्शंस के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और साथ ही इनमें से निकली कुछ ब्रांचेस जो हैं वो झालकों या प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें से जो मैक्सिमम जो नर्व्स हैं वो बाइपोलर होती हैं। फेसियोला का जो नर्वस सिस्टम है दो हम अपनी स्टडी पर्पज से दो भागों में विभक्त करते हैं, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सब क्लासिफाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सेरिब्रल रिंग और जो इसकी सेरिब्रल गैंग्लियॉन्स हैं एवं जो इनकी नर्व कॉर्ड्स हैं उनका स्टडी करते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो इसके गैंग्लियॉन्स से ऑर्गन्स और इसके बॉडी ऑर्गन में जैसे सकर्स आदि को जाने वाली जो नर्व्स हैं उन नर्व का हम स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है उसके अंदर जो एक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है जिसे हम नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, उस नर्वस सिस्टम में लोअर इन्वर्टिब्रेट से हायर इन्वर्टिब्रेट की ओर जब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो उस समय हम देखते हैं कि सरल नर्वस सिस्टम से सिंपल नर्वस सिस्टम से कॉम्प्लेक्सिटी का ओरिजन हुआ है। तो जो हमने सबसे पहले एनिमल लिया उसके अंदर प्रोटोजोन्स में प्रोटोजोन्स के अंदर हमने पैरामीशियम के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्मिक सिस्टम का नर्वस सिस्टम जो है जो ये अपनी बॉडी में रेस्पॉन्सेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने ओबिलिया में ओबिलिया के बाद हमने उसके अंदर जो है पॉलिप और मेड्यूसा के अंदर नर्व सेल और सेंसरी सेल्स के आधार पर हमने नर्वस सिस्टम को स्टडी किया। और उसके बाद जब हम हायर एनिमल में आते हैं तो हमने प्लेटीहेलमेंथीस के अंतर्गत फैसियोला हिपेटिका और टीनिया सोलियम के नर्वस सिस्टम की बात की, जिसमें आज हमने फैसियोला हिपेटिका का नर्वस सिस्टम देखा और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस नर्वस सिस्टम को अगेन सेरिब्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सब क्लासिफाइड करते हुए इसकी स्टडी
स्टडी करते हैं, परंतु क्योंकि यह एंडोपैरासाइट है इस कारण से इसका जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपल टाइप का होता है, और आगे के जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर इस नर्वस सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी ओरिजिनेटेड होती जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके हायर एनिमल्स का नर्वस सिस्टम स्टडी करेंगे। थैंक यू।